हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्वेरी स्टडी में। मैं कमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर बाइनरी जो संख्या पद्धति होती है हमारी। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी संख्या पद्धति जो होती है, ये हमारे यहाँ पर मैथमेटिकल और डिजिटल यहाँ पर फिजिक्स में यूज़ होती है। कंपटीशन में भी काफ़ी पूछी जाती है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर बाइनरी नंबर में क्या होता है, यहाँ पे हम सिंबलों का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे दो हमारे नंबर यूज़ होते हैं सिंबल के तौर पर, और ये सिंबल हमारे यहाँ पे केवल दो ही सिंबल यहाँ पे होते हैं। एक होता है हमारा जीरो और एक होता है हमारा वन। टाइपिकली हमारे यहाँ पे जीरो और वन होते हैं। तो यही हमारे पूरे यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही नंबर का यूज़ होता है, इसीलिए हम इनको बाइनरी बोलते हैं। बाई मतलब दो, दो होता है बाई का मतलब, तो इसीलिए हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हमारे दो नंबर यूज़ होंगे यहाँ पे केवल, और ये दो नंबर हमारे कोड के तौर पर यहाँ पे काम करते हैं, एक सिंबल के तौर पर। तो ये दोनों क्या है, एक एक तरह के से हम कह सकते हैं सिंबल कह सकते हैं या फिर कोड कह सकते हैं इनको। और इसे यहाँ पर आप इसको बिट भी कह सकते हैं, एक बहुत ही छोटी इकाई होती है हमारी। तो ये हमारे यहाँ पे जीरो और वन का यूज़ होता है इसमें। अब देखिए मेन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। हमारे जैसे 1 2 3 4, ये हमारे डेसिमल होते हैं, तो इन नंबरों को हम बाइनरी नंबर में या फिर बाइनरी नंबर को इनमें किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो हमारे यहाँ पे और यहाँ पर हमारे जैसे हमारे डेसिमल हो गए। अब देखिए जो हमारे यहाँ पर बाइनरी में होते हैं, बाइनरी में हमारा डेसिमल में हमारा जैसे वहाँ जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, इस तरीके से होते हैं। और बाइनरी में हमारा क्या होता है इनके लिए, बाइनरी में देखिए जीरो के लिए तो हमारा जीरो ही आता है। आप एक भी लगा सकते हैं या फिर इसको यहाँ पर दो तीन सारे जीरो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आय को बढ़ते हैं यहाँ पर संख्याएं बढ़ती रहेंगी आय को, और इनको आपको लिखने में यहाँ पर आसानी रहेगी। तो जीरो का जीरो हो गया और वन का भी वन ही रहता है। देखिए लास्ट में आप वन बना देंगे इसको। टू का क्या होता है, टू का यहाँ पर जीरो जीरो। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने वन किया है वहाँ पर आप वन जीरो कर दीजिएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पर। वैसे फिर यहाँ पर करना है आपको थ्री का, तो थ्री का हो जाएगा यहाँ पर जीरो जीरो वन और वन। अर्थात आपको यहाँ पर कन्वर्ट करने में क्या ध्यान देना है, नंबरों को आपको क्रम वाइज बढ़ाना है, और वन और केवल जीरो का ही यूज़ आप करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले सबसे छोटी आपके यहाँ पे जीरो है, उसके बाद आपने उससे थोड़ा ऊपर बढ़ाया तो आपका वन आ गया, उसके बाद आपने ऊपर बढ़ाया तो टेन बना, उसके बाद आपने ऊपर बढ़ाया तो अलेवन बना, और इसके बाद आप जब ऊपर को बढ़ाएंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए आपका जब फोर लिखेंगे तो फोर के लिए आपका हंड्रेड आ जाएगा। वैसे आप ऊपर को जाते चले जाएंगे और कन्वर्ट करते जाएंगे। देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका क्या है, हम उसको देखते हैं। आप इसी मेथड का यूज़ करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। देखिए जब आपको कन्वर्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर फोर ही ले लिया, अब फोर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, दो से भाग देंगे इसमें। देखिए दो से आपने जब चार में भाग दिया तो कितनी बार गया, दो बार, और यहाँ पर आप शेष लिखते जाइए, शेष इसके नीचे लिखिए आप। यहाँ पर शेष आ गया आपका जीरो, जब आपने दो चार में भाग दिया, दो दूनी चार पूरी बार चला गया तो शेष जीरो आ गया। वैसे आप दूसरी बार दीजिए इसमें, आपका यहाँ पे दो का भाग, जब आपने दो में दिया तो आपका एक आ गया, तब भी आपका शेष यहाँ पे जीरो आया। और तो यहाँ पर आपको कितने नंबर मिले, एक दो और तीन। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इनको उतार देंगे नंबरों को। यहाँ पर वन आया, फिर जीरो आया, फिर जीरो आया, तो चार का यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन जीरो जीरो। तो ये यहाँ पर आपका डेसिमल का यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। वैसे आपको अब बड़ा नंबर इससे बड़ा नंबर कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर सेवन को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सेवन आपने लिखा, दो से भाग दीजिए, यहाँ पर शेष लिखिए इनके नीचे। जब दो सात में आपने भाग दिया तो तीन बार गया, दो तिया छः और एक बचा शेष आपका, यहाँ पर आपने लिख दिया उसको। अब उसके बाद आपने तीन में भाग दिया तो एक बार गया, फिर से आपने यहाँ पर शेष लिख दिया। अब आपको क्या मिले, देखिए यहाँ पे
1 1 और 1, अर्थात यहाँ पर आपका 7। आपको हमेशा ये ध्यान देना है, नीचे से आपको नंबर को ऊपर को उतारना है, ऊपर से नहीं उतारना है बल्कि नीचे से ऊपर को उतारना है। तो 7 का यहाँ पे क्या है आपका 1 1 और 1, तो ये यहाँ पे 7 का बाइनरी फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आपको इन डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब आपसे कोई भी नंबर दे दिया गया हो, मान लीजिए आपको यहाँ पे 15 दिया है और आपको इसको करना है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कैसे करेंगे इसको? इसको आप 2 से भाग देंगे, 2 से जब आपने भाग दिया तो 2 7 14 शेष आपका यहाँ पर 1 आया, फिर से 2 से दिया 2 3 6, फिर से आपका शेष 1 आया, फिर से आपने भाग दिया 2 1 2, फिर से आपका यहाँ पर शेष 1 आया। तो इस तरीके से क्या बन गया देखिए, 1 1 1 1 कितनी बार आया, 4 बार आ गया यहाँ पर आपका 1। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 15 इक्वल टू 1 1 1 और 1, तो ये आपका यहाँ पे 15 का यहाँ पर बाइनरी फॉर्म आया। और देखिए बाइनरी फॉर्म को आप जब भी लिखते हैं तो आप इसको यूँ ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसे हम यहाँ पे बोलते हैं रेडिक्स। इससे क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि ये हमारे क्या है, बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। इसका पता हमें यहाँ से चलता है क्योंकि उसके नीचे से 2 लगा रहता है। इसको आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप बाइनरी नंबर को लिखेंगे नीचे से आप इसको ब्रैकेट करके 2 लिख देंगे, तो ये हमारे यहाँ पर बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे बाइनरी नंबर हैं जिनमें हम 0 और 1 का यूज़ करते हैं कि एक सिंबल के तौर पर, एक यहाँ पर कोड के तरीके से। और इसी में हम इसका पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे हमने यहाँ अभी देखा डेसिमल होता है हमारा जिसमें हमारे 10 नंबर होते हैं, वैसे हमारा हेक्साडेसिमल होता है जिसमें हमारे 16 नंबर होते हैं। तो ये हमारे नंबर सिस्टम है, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाइनरी की। अब आपको यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है कभी कि जैसे 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए या 20 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके थैंक्स।